भारतीय किसान यूनियन के नेता गुणी प्रकाश ने नए वाहन कानून को काला कानून बताते हुए कहा कि किसानों को सरकार के इस कड़े कानून का विरोध करना चाहिए, क्योंकि सरकार बेवजह के कड़े कानून लागू करके किसानों को परेशान कर रही है। इन्होंने कहा कि पहले ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए लाइट ड्राइविंग लाइसेंस होता था, अब सरकार ने हैवी लाइसेंस लागू कर दिया है जो किसी किसान के पास नहीं है। किसान नेता गुणी प्रकाश ने खेती बाड़ी पर लागू नए यातायात नियमों की विस्तार से जानकारी दी। चलिए आपको दिखाते हैं। मोटर वाहन एक्ट में एक सबसे ज्यादा हमारे लिए जो काला कानून है वो उसमें कहा गया कि ट्रैक्टर ट्रैली को कमर्शियल मान लिया गया। अगर कोई ट्रैक्टर ट्रैली लेके उस पर कोई सामान लेके जाएगा, वो जो ड्राइवर है उस ड्राइवर को हाई वो लेना पड़ेगा लाइसेंस, हाई लाइसेंस। किसानों के खिलाफ ये जो कानून है, इस कानून पे सड़क आने के, क्योंकि इसमें 60% किसानों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं और 30% के पास वो लाइट, पहले प्रोविजन ये था वो कार ट्रैक्टर कोई भी लाइव उसमें लाइसेंस में आता था। अब उसके खिलाफ जो ये कमर्शियल एक्टिविटी को मान लिया गया, उसको व्यापारिक में उसमें सर जैसे कर लिया गया, उसी कानून के तहत उसमें जाएगा। अब हमारा कहना ये, अगर कानून हो गया तो किसान का कोई भी ट्रैक्टर सड़क पर जा ही नहीं सकता, उसका परमानेंट बीमा होना चाहिए, ट्रैली का बीमा होना चाहिए, और कोई भी गया किसान को यह साबित करना पड़ेगा कि यह अनाज मेरा या नहीं है। अगर किसी से ट्रैली मांग ली, ट्रैक्टर मांग लिया, या किसी मंडी में सामान लेके चला गया और कोई वो कर लिया, तो इन्होंने इस कानून के तहत किसान की जमानत और भारी जो कानून कर लिया, तो हमारे को तो हमारी जो खेती बाड़ी है उस खेती बाड़ी कोई बर्बाद करने की साजिश है। अगर कोई पुलिस वाला ये पूछेगा, बताओ जी आपके पास क्योंकि हैवी लाइसेंस मेरे पास है नहीं, मैं ट्रैक्टर चला नहीं सकूंगा, हमारे तो नौकर भी ट्रैक्टर चलाते हैं, हमारे तो बच्चे भी खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं, इसलिए इस काले कानून को जो खरा सरासर किसानों के खिलाफ है, मोटर एक्ट वहन जो अब इन्होंने लागू किया वो किसानों के लिए जानलेवा साबित होगा, किसानों की खेती के ऊपर होगा। इसलिए जय जवान जय किसान। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।